नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। इजराइल ने विदेशी सहायता कर्मियों पर हुए हमले को प्रारंभिक जांच में बताया बड़ी चूक। दो अधिकारियों को किया बर्खास्त। चैरिटी संस्था वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने जांच के लिए स्वतंत्र आयोग के गठन की मांग की। कहा इजरायली सेना अपनी विफलताओं की जांच विश्वसनीय तरीके से नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई उम्मीद, इजराइल गाजा में मानवीय सहायता को शीघ्र और प्रभावी ढंग से पहुंच को देगा बढ़ावा। इजराइल ने इरेज क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से खोलने को दी मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। इजराइल ने प्रस्ताव की कड़ी निंदा की। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष तेज। दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले का किया दावा। रूस ने 53 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। वहीं यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में 6 रूसी विमानों को ध्वस्त करने का किया दावा। ताइवान में भीषण भूकंप के 3 दिन बाद भी राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। 18 लोग अब भी लापता, 4 विदेशी भी इसमें शामिल। भूकंप के बाद बढ़ा भूस्खलन का खतरा। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलन का चीन दौरा। कहा अपने उद्योग के लिए बीजिंग की सब्सिडी दुनिया के लिए पैदा कर सकती है गंभीर खतरा। चीन से अमेरिकी कंपनियों के लिए समान अवसर मुहैया कराने का किया आह्वान। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। गाजा में इजरायली हमले में 7 विदेशी नागरिकों की मौत का मामला गहराता जा रहा है। इजरायली सेना ने प्रारंभिक जांच में माना है कि निर्णय लेने में और पहचान करने में गंभीर गलती हुई है। दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने इसकी कड़ी निंदा की। मामले की आई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इजरायली सेना ने हमले के तौर तरीकों पर दुनिया ने सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल इजरायल ने घटना की पूरी जिम्मेदारी लेने के साथ अपने 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इजरायली हमले में मारे गए 7 विदेशी नागरिकों का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में गंभीर गलती और सेना की प्रक्रिया का घोर उल्लंघन बताया गया है। इसी जांच के आधार पर हमले में भूमिका होने के कारण 2 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन्हें जानकारी का गलत इस्तेमाल और सेना के नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया गया है। IDF ने अपनी प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये गलत पहचान, निर्णय लेने में त्रुटियां और मानक संचालन प्रक्रियाओं के विपरीत हमले के कारण हुई गंभीर गलती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले की मंजूरी देने वाले लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे WCK के कर्मचारी को नहीं हमास के लोगों को निशाना बना रहे थे। इसमें कहा गया है कि कुछ राहत कर्मी शुरुआती हमले में बच गए थे, लेकिन जब तीसरी कार पर हमला किया गया तो सभी मारे गए। इस बीच चैरिटी संस्था वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने इजरायली हमले में मारे गए अपने कर्मचारियों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग गठित करने की मांग की है। WCK ने कहा है कि इजरायली सेना अपनी ही विफलताओं की विश्वसनीय जांच नहीं कर सकती है। WCK ने कहा है कि उसके सहकर्मियों की नृशंस हत्या पर इजरायल की माफी का कोई मतलब नहीं है। ये मारे गए लोगों के परिवार और WCK की वैश्विक श्रृंखला के लिए मायने रख सकती है, लेकिन गाजा में मानवीय सहायता कर्मियों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मानवीय सहायता कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायल को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। WCK ने फिलहाल गाजा में अपना काम रोक दिया है। सहायता कर्मी सोमवार को उस समय मारे गए जब समुद्र के रास्ते गाजा में लाए गए 100 टन खाद्य सहायता को उतारने के तुरंत बाद उनके काफिले पर हमला किया गया। WCK के संस्थापक जोस एंड्रेस ने कहा है कि इजरायली हमले में उनके कर्मचारियों को व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक कार को निशाना बनाया गया। इस बीच पोलैंड ने बताया कि इजरायली हमले में मारे गए पोलिश सहायता कर्मी की मौत पर वहां के राजदूत ने माफी मांगी है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने इजरायली राजदूत से कहा कि मामले में सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, तो राजदूत ने कहा कि मामले में इजरायल की शीर्ष अदालत आपराधिक जांच करेगी। पोलैंड ने कहा कि वो चाहता है कि उसके अभियोजक भी इसमें शामिल हों। मैंने राजदूत को विरोध पत्र सौंपा।
उन्होंने इस घटना के लिए माफी मांगी। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अब तक हमें जो जानकारी मिली है वह संतोषजनक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि पारदर्शी जांच होगी। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका सहायता कर्मियों पर हमले की इजराइल की जांच की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि इजराइल घटना की पूरी जिम्मेदारी लेने के साथ साथ अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर रहा है, लेकिन इससे और अधिक किए जाने की जरूरत है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यह सुनिश्चित करना कि आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं कि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। साथ ही जैसे ही इजराइल हमास के खिलाफ कोई सैन्य अभियान चलाता है, उसे नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इजराइल जल्द और प्रभावी ढंग से गाजा पट्टी तक सहायता पहुंच बढ़ाएगा। गुटेरेस ने कहा कि अब तक 196 सहायता कर्मी गाजा संघर्ष में मारे जा चुके हैं। संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इसराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में पश्चिमी देशों का मत विभाजन देखने को मिला। प्रस्ताव को 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने पक्ष में 28 वोट डाले, 6 मत विरोध में पड़े और 13 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। इसराइल के खिलाफ इस प्रस्ताव पर पश्चिमी देशों में तीखा मत विभाजन देखने को मिला। अमेरिका, जर्मनी और कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, तो वहीं कुछ यूरोपीय देशों ने इसके पक्ष में मतदान भी किया। इजरायली सेना का गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। विदेशी सहायता कर्मियों की मौत के बाद इजरायल को चौतरफा निंदा का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष शुरू हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने गाजा पट्टी में संभावित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इसराइल को जवाबदेह ठहराने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया। इसका उद्देश्य गाजा में इसराइल के सैन्य अभियान के दौरान आम लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में मदद करना है। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में इस प्रस्ताव के पक्ष में 28 वोट जबकि विरोध में 6 वोट पड़े, जबकि 13 सदस्य मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव का अनुपालन अनिवार्य नहीं है, हालांकि पश्चिमी देश इस प्रस्ताव पर विभाजित दिखे। अमेरिका, जर्मनी और कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि कई देश अनुपस्थित रहे और कुछ यूरोपीय देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। 28 ने पक्ष में मतदान किया, 13 गैर हाजिर रहे, 6 ने इसका विरोध किया। इस तरह यह प्रस्ताव परिषद द्वारा अपना लिया गया। प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसराइल के राजदूत ने इसे मानवाधिकार परिषद के समग्र रूप से संयुक्त राष्ट्र के लिए एक धब्बा बताया। उन्होंने लंबे समय से इजरायली लोगों की अनदेखी और हमास का बचाव करने का आरोप लगाया। ये प्रस्ताव पूरे संयुक्त राष्ट्र पर धब्बा है। हमारे खिलाफ अन्य विचार विमर्श और अन्य प्रस्ताव होंगे, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इस बीच इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा में अधिक मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए तत्काल उपायों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से एक बयान में कहा गया कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों के बाद पहली बार इरेज क्रॉसिंग को अस्थायी रूप से फिर से खोला जाएगा। हमास द्वारा इसराइल पर हमलों के दौरान उत्तरी गाजा में मुख्य क्रॉसिंग नष्ट हो गई थी। इसराइल ने यह भी कहा कि वो अशदोद में अपने बंदरगाह को सीधे गाजा तक सहायता भेजने की अनुमति देगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि मानवीय सहायता में शामिल लोगों के खिलाफ हमला युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। मानवीय सहायता में शामिल लोगों या वस्तुओं पर हमला करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। जैसा कि उच्चायुक्त ने बार बार कहा है, दंड मुक्ति समाप्त होनी चाहिए। रमजान के आखिरी जुमे को अल कुद्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर कई अरब देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखा गया। वहीं इस मौके पर पश्चिमी बैंक के चेक पॉइंट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। दक्षिण कोरिया में आगामी 10 अप्रैल को संसदीय चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही राष्ट्रपति यून सुक योल ने शुक्रवार को शुरुआती मतदान के तहत अपना वोट डाला। यून ने दक्षिणी बंदरगाह शहर बुसान में मतदान किया, जहां उन्हें एक व्यावसायिक कार्यक्रम में शामिल होना था। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अगले बुधवार को होने वाले चुनाव के लिए मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये न केवल उनका नागरिक अधिकार है बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी है।
संसदीय चुनाव में यून की पीपल पावर पार्टी को बहुमत हासिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। चार प्रमुख सर्वेक्षणकर्ताओं ने गुरुवार को जारी संयुक्त सर्वेक्षण में 39% पीपीपी के पक्ष में जबकि 37% ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देने की बात कही है। बुधवार को ताइवान में भीषण भूकंप आया और कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, हजार लोग घायल हो गए और 18 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें चार विदेशी भी शामिल हैं। भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। राहत बचाव कर्मियों ने बताया है कि तोरोको नेशनल पार्क में फंसे लगभग 400 लोग सुरक्षित हैं। अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए लोगों तक राहत कर्मी पहुंच रहे हैं। बुधवार का भूकंप 25 वर्षों में आया सबसे भीषण भूकंप था। ताइवान में बुधवार को आए 7.2 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 18 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहा है। कम आबादी और पहाड़ी इलाके वाले हुलियन क्षेत्र में आए भूकंप में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार को ताइवान के अग्निशमन विभाग ने बताया कि इन 18 लापता लोगों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत चार विदेशी नागरिक शामिल हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शुरुआत में 2 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था लेकिन बाद में भारतीय अधिकारी उनसे संपर्क स्थापित करने में सफल रहे। ये दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। लापता 18 लोगों में 6 हाइकर्स भी शामिल हैं। ये लोग तारोको नेशनल पार्क का लोकप्रिय पर्यटन स्थल तारोको गॉर्ज देखने पैदल निकले थे। 45 लोगों की एक बचाव टीम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जहां तक चार विदेशियों की बात है, उनमें से 2 ऑस्ट्रेलियाई, सिंगापुर के 2 नागरिक हैं, 1 भारतीय और 1 कनाडाई हैं। रात और बचाव कर्मियों ने बताया कि तारोको नेशनल पार्क में फंसे लगभग 400 लोग सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें आपूर्ति पहुंचाई जा रही है और साथ ही घायलों को बाहर निकाला जा रहा है। ये 400 लोग पार्क के होटल में फंस गए थे। भूकंप के 2 दिन बाद एक गुफा में फंसे लोगों तक शुक्रवार को राहत बचाव टीम पहुंची। बचाव कर्मियों ने शुक्रवार सुबह जीवकू गुफा से कई लोगों को सुरक्षित निकाला और बचे लोगों की चिकित्सा जाँच की गई। 15 श्रमिकों का एक समूह जो भूकंप के समय सड़क मार्ग से होटल जा रहा था, अब पूरी तरह सुरक्षित है। वही एक महिला की मौत इमारत की दीवार गिरने से हुई। वो भूकंप के बाद इमारत से बाहर आ गई थी लेकिन अपनी बिल्ली को लेने वापस अंदर चली गई थी। जब भूकंप आया तो चारों तरफ भयानक धूल उड़ने लगी। मुझे गाड़ी के अंदर से कुछ नहीं दिख रहा था। मेरी गाड़ी एक खंभे से जाकर टकरा गई। मैं तुरंत कार से निकलकर सुरंग के अंदर की ओर भागा। भूकंप के दर्जनों झटकों के कारण कई सड़कें टूट गई हैं। भूस्खलन के कारण पहाड़ों से चट्टानें नीचे गिरकर सड़कों पर फैल गई हैं। बुधवार का भूकंप 25 वर्षों में सबसे भीषण और शक्तिशाली था लेकिन सख्त निर्माण नियमों और व्यापक सार्वजनिक आपदा जागरूकता ने एक बड़ी तबाही को टाल दिया। भूकंप के बाद सैकड़ों झटके महसूस किए गए। लोगों ने अपने घरों के बजाय शिविरों में रात बिताई। भूकंप किंगमिंग पर्व के लिए छुट्टी शुरू होने से एक दिन पहले आया। किंगमिंग पर्व के दौरान परिवार पारंपरिक रूप से अपने पूर्वजों की कब्रों की सफाई करने और प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। सरकार ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वे छुट्टियों के लिए ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो भूस्खलन या चट्टान गिरने से सावधान रहें। ताइवान में आए भूकंप के झटके जापान और फिलीपींस में भी महसूस किए गए थे। 3 देशों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था। जापान के मौसम विभाग ने समुद्र में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक लहरें उठने का अनुमान जताया था। हालांकि 6 घंटे बाद चेतावनी वापस ले ली गई थी। चीन की यात्रा पर पहुंची अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलन ने चेतावनी दी है कि अपने उद्योग के लिए बीजिंग सब्सिडी जो दे रहा वो दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकती है। येलन 1 साल से भी कम समय में दूसरी बार चीन की यात्रा पर आई हैं। उन्होंने अमेरिकी और अन्य देशों की कंपनियों को कमजोर करने वाली चीन की नीतियों पर चिंता जाहिर की है। चीन सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी इंडस्ट्री को भारी सब्सिडी दे रहा है। इससे चीन से आने वाले सस्ते सामान से दुनिया के बाकी देशों की इंडस्ट्री तबाह हो सकती है। येलन ने शुक्रवार को ग्वांगझू में एक कार्यक्रम में कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरकारी समर्थन से चीन की इंडस्ट्री घरेलू मांग से कहीं ज्यादा माल बना रही है जो ग्लोबल मार्केट के लिए खतरा है। और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से।
रूस यूक्रेन संघर्ष में शुक्रवार को भी तेजी देखी गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया कि रूस के रोस्तो स्थित मोरोजोवस के एयरबेस को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 20 सैनिक हताहत हुए या घायल हुए। वहीं रूस का कहना है कि उसके ड्रोन हमले से यूक्रेन के दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ है। जारी जंग के बीच नाटो सदस्य यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता जारी रखे हुए हैं और अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में भी लगे हुए हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष में शुक्रवार को तेजी देखी गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ड्रोन हमले करने का दावा किया। यूक्रेनी अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया कि रूस के रोस्तोव स्थित मोरोजोस्क एयरबेस को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले में रूस के कम 20 सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिणी रूस के रोस्तोव में किए गए हमले में रूस के कम 6 सैन्य विमान नष्ट हो गए और 8 अन्य बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। सूत्रों के अनुसार मोरोजोस्क बेस पर हमले के दौरान यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल होने वाले SU-27 और SU-34 विमानों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि रूसी रक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने 53 से अधिक यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया और इस कार्रवाई में उसका केवल एक बिजली सबस्टेशन क्षतिग्रस्त हुआ। सूत्रों के अनुसार सेराटोव, कुर्स्क, बेलागोरोड और क्रास्नोडार क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। हमले में एक 16 मंजिला आवासीय ब्लॉक को भी नुकसान पहुंचा, जबकि बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से लगभग 600 लोगों को कुछ घंटों तक बिजली नहीं मिल सकी। इस बीच रूस की ओर से दावा किया गया कि उसके ड्रोन हमले से यूक्रेन के दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में ऊर्जा सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन की सीमा से लगे इस क्षेत्र को निशाना बनाकर 40 से अधिक ड्रोन हमले करने की बात कही, जबकि यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसकी सेना ने क्षेत्र के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले हमलों को रात भर इस्तेमाल किए गए रूस के 4 ड्रोनों को मार गिराया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र में वोडानी की बस्ती पर नियंत्रण कर लिया है। अवदीवका की दिशा में सेंटर समूह की सेनाओं के सब डिविजन्स ने डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिकन के वोडाने के आबादी वाले क्षेत्र को मुक्त करा लिया और दुश्मन के इलाकों में अपनी प्रगति जारी रखी है। साथ ही साथ कई अहम जगहों पर कब्जा भी कर लिया है। इसके साथ ही रूसी समाचार एजेंसी RIA ने बताया कि यूक्रेनी सैन्य ड्रोन ने ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया, लेकिन उसके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर क्रेमलिन की इस चेतावनी कि रूस और नाटो अब यूक्रेन पर सीधे टकराव में हैं के बाद भी नाटो सदस्य देश यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रखे हुए हैं, साथ ही अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लग गए हैं। नॉर्वे ने रूस और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए 2036 तक अपने सैन्य खर्च को $56 बिलियन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इस बीच जर्मनी ने बाल्टिक GPS व्यवधान के लिए रूस को संभवतः जिम्मेदार बताया। जर्मन रक्षा मंत्रालय ने समस्या के स्रोत के रूप में कलिनिनग्राद एक्सक्लेव की ओर इशारा करते हुए कहा कि बाल्टिक क्षेत्र में GPS नेविगेशन को प्रभावित करने वाली कई गड़बड़ियों के पीछे रूस का हाथ होने की बहुत संभावना है। इस बीच नाटो के मुख्यालय में गठबंधन की 2 दिवसीय वार्ता के दौरान नाटो के सदस्य देशों ने यूक्रेन को समर्थन और सहायता देने के मामले पर बातचीत की। इससे एक दिन पहले ही नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए 100 अरब यूरो के 5 साल के पैकेज का प्रस्ताव दिया था, जिसे 32 सदस्य देशों में से केवल 3 देशों ब्रिटेन, पोलैंड और लात्विया ने समर्थन दिया। और रूस के कई क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। देश के कई क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से आई बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों को निकालने और बाढ़ क्षेत्रों में घरों से बाढ़ के पानी को बाहर निकालने के लिए कई स्थानों पर बचाव दल को भी तैनात किया गया है। रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय की ओर से जारी एक वीडियो में बचाव टीमों के जरिए कुछ लोगों को बाढ़ क्षेत्रों से निकालते हुए साफ देखा जा सकता है। रूस के आपात स्थिति मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बर्फ पिघलने से आई बाढ़ ने रूस के साइबेरिया और उराल क्षेत्रों में लगभग 36 स्थानों को प्रभावित किया है। उच्च जलस्तर के कारण निचले इलाकों में 190 पुल और 120 सड़कों पर आवाजाही में रुकावट पैदा हो गई है और 2000 से अधिक आवासीय घरों में पानी भर गया है। और रुक करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर।
पेरू में लग्जरी रोलेक्स घड़ियों सहित महंगे आभूषण रखने और पहनने के लिए आलोचना झेल रही राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट को बड़ी राहत मिली है। पेरू की कांग्रेस ने रोलेक्स घोटाले में फंसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। कांग्रेस में राष्ट्रपति बोलुआर्ट पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की शुरुआत पर औपचारिक रूप से बहस के खिलाफ दो बार मतदान किया गया। दीना बोलुआर्ट पर लग्जरी टाइमपीस घड़ियां रखने के लिए और अवैध संवर्धन की जांच चल रही थी। इस मामले में सबूत की तलाश में दर्जनों बार पुलिस और अभियोजकों ने ईस्टर के सप्ताहांत में उनके घर और कार्यालय पर छापा मारा। अपने पूर्ववर्ती पर महाभियोग चलाए जाने के बाद 2022 में सत्ता संभालने वाली दीना बोलुआर्ट अपने कार्यकाल के शुरुआत से ही विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रही हैं। पेरू के संविधान में राष्ट्रपतियों पर नैतिक अक्षमता के लिए महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, जिसकी वजह से कई पूर्व राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चलाया जा चुका है। और भाई आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की झलक। नॉर्वेजियन क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक सामी और अन्य जनजातीय समूह बसते हैं और ये अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इनका पालतू पशु है बारहसिंगा। बदलती जलवायु परिस्थितियां और बदलते सरकारी नियमों की वजह से इस जनजातीय समूह की आजीविका पर संकट आ रहा है। नॉर्वे की सीमा पर स्थित फिनमार्क पर्वत के बर्फीले पठार में बारहसिंगों का झुंड और उनके लिए स्नो मोटर बाइक से अपने खास अंदाज में चारा परोसते निल्स मैथी सारा। ये पिछले कई महीनों से आर्कटिक क्षेत्र में यही दृश्य पेश कर रहे हैं। मैथी सारा का संबंध प्राचीन अर्ध जनजाति समुदाय सामी से है। इस समुदाय का मुख्य पेशा हिरण पालन है। गर्मियों में तो यहाँ हिरणों और बारहसिंगों के चरने के लिए घास मिल जाती है, या फिर वो बर्फ के नीचे दबे अपनी पसंदीदा लाइकेन को खुरों से खोदकर अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में जब यहाँ का तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है, इन्हें चरने के लिए कुछ खास नहीं मिलता। ऐसे में निल्स मैथी सारा जैसे रेंडियर चरवाहे अपने हिरणों के झुंड को चारा देने के लिए ये तरीका अपनाते हैं। अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। बदलते जलवायु के कारण शरद ऋतु में बारिश होती है और फिर बर्फबारी हो जाती है। अधिक बर्फ जम जाने से हिरणों को चरने के लिए कुछ नहीं मिल पाता। पिछले 10-15 वर्षों से ये चुनौती बनी हुई है। हमें सर्दियों में बाहर निकलना पड़ता है और हिरणों को चारा खिलाने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है, जो हमने पहले कभी नहीं किया था। सामी जनजाति के लोग शीतकाल में अपने पालतू बारहसिंगों को चराने के लिए राजधानी ओस्लो से लगभग 1000 मील दूर स्थित इलाके का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गर्मियों में वे ओस्लो से लगभग 150 मील दूर की भूमि का उपयोग करते हैं। परंतु अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जलवायु परिवर्तन उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो दूसरी तरफ नॉर्वे सरकार की हरित ऊर्जा के लिए अपनाई जा रही नीतियां नई नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। दरअसल नॉर्वे सरकार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने और अन्य ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्लांट और कई अन्य प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित कर रही है। इसी इलाके में पश्चिमी यूरोप के सबसे बड़े तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने की योजना और नियोजित 34 मील लंबी बिजली लाइन के निर्माण की योजना ने सामी समुदाय को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इससे उनके पशुओं को चराने की जगह दिन प्रतिदिन सिकुड़ती जा रही है। हाँ, उत्सर्जन में कटौती करना बहुत अच्छी बात है और हरित ऊर्जा के बारे में सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जंगल में खुदाई शुरू करना और उसे हरित संक्रमण कहना मेरी समझ से परे है। नॉर्वेजियन क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक सामी और अन्य जनजाति के समूह बसते हैं। ये यूरोप के सबसे विशिष्ट स्वदेशी समुदायों में से एक है। 40,000 से 60,000 के बीच सामी मध्य और उत्तरी नॉर्वे में रहते हैं, लेकिन अब इनकी आबादी सिमटती जा रही है और साथ ही हिरणों के पालन पोषण में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समुदाय के लोग सरकार के इस कदम के खिलाफ कानूनी लड़ाई के साथ साथ प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। 2021 में एक ऐतिहासिक फैसले में नॉर्वे के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्य नॉर्वे में दो पवन फार्मों के निर्माण ने स्वदेशी अल्पसंख्यकों के अपनी संस्कृति के साथ रहने के अधिकार का उल्लंघन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पवन एवं जल ऊर्जा पावर प्लांटों का निर्माण जारी है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD News। नमस्कार।
वेलां स्वां नाति वर्तते। आरोग्यं मूलम् उत्तमम्। स्वास्थ्यं प्रति वस्तुतः मानव मात्रं सदा एव चिन्तितं परिलक्ष्यते। यद्यपि भाषाः भिन्नाः सन्ति, विभिन्नाः भाषाः सन्ति, किन्तु विचारः समानः। जय जय देव हरे।